ये भैया ये देखो आपने अपने वो है विचार इनके, इनके बीजेपी को अच्छे लगे हैं, इन्हें महंगाई से कोई वो नहीं है, क्यों बढ़िया दुकान चल रही है, गरीब आदमी पूछो ना जाएगा, जिसके जिनकी नौकरी चली गई, जिनके सारे कारोबार ठप रहे हैं, मजदूरों की आवाज भैया भी कह रहे थे सब मजदूरों की, कौन सा मजदूर बताइए जरा, जो 2.5 किलो शराब पिया वो प्लॉट का आता है, जो ये मजदूर है, जो मजदूर है, जो बताओ तो चिंता है ही नहीं महंगाई की चीज के लिए, कहा चिंता बेचारे का एक प्लॉट दो बेर बेच दो, इन्हें कहा चिंता चिंता तो ना जो मध्यम गरीब आ रहा है, पेट्रोल कितने रुपए लीटर भैया आज बता दो, 95 रुपए लीटर पेट्रोल चलाकर चला लेगा बाइक, सब चला रहे हैं, कौन चला रहा है, सपा आके 95 से 80 कर देगी या 70 कर देगी क्या, पेट्रोल को ये बता देंगे भैया, बता देंगे कैसे करा दोगे अखिलेश से, कह दोगे भैया 80 करा दोगे, कहीं नहीं रहे कि मैं 80 कर दूंगा, अरे अरे बैठक भी तो कहेगा अभी पहले से पहले कह देगा, जैसे 300 यूनिट को हकीकत में अभी 300 यूनिट सबके लिए फ्री भी नहीं कहा आपने कभी, ये आप 5 साल मुख्यमंत्री रहे, हम यूं नहीं कर रहे पक्षपात, 5 साल अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे, कौन सी था बिजली की सुविधा दी है, कौन से रोड की सुविधा दी है, सुनो चाचा अभी हमारे यहाँ रुको भैया हम बताएंगे जो होने वाला मुद्दा, 6 जास है यहाँ से डेयरी वालों में जो भैंस बांधे रहे भाई बाहर, जिन छिपते मुल्ला जबरदस्ती में से खेचे भैंसों को ले जावे ट्रक में चढ़ा के, 6 जास 3 ट्रक भैंस चोरी हुई और वो पकड़ लिए मुल्ला, आजम खान का फोन आया वहाँ मुल्ला बंद है, सुन वहाँ 6 बादरपुर थाने में आजम का फोन आया, न्यूके जी दरोगा वो SHO बोला जी भैंस नहीं मिलेंगी पैसा मिल जाएंगे, ले गए सब छुड़ाए गए, मतलब पहले वैसे भी चोरी हो जाते हाँ। कार में हूँ विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी, यूथ मीडिया टीवी की चुनावी यात्रा लगातार जारी है, आज दादरी विधानसभा में मौजूद है, यहाँ से माहौल जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार किस तरीके का नजर आ रहा है, जनता का किस पार्टी की ओर रुझान है, मुख्यमंत्री किसको देख रहे हैं, एक तरफ गठबंधन है दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ अकेले लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है माहौल जानेंगे यहाँ से, तो भैया क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में, हमारी तरफ से तो बीजेपी है, बीजेपी है क्यों बीजेपी है, कह रहे युवाओं के लिए तो कुछ किया ही नहीं बीजेपी ने, तो युवाओं के लिए हर चीज में किया उन्होंने, बिजनेस से लेके जॉब्स और सारी चीजें हर तरह की काम किया है, और बाकी सबसे बड़ा है कि जो गुंडा राज है वो खत्म कर दिया है, गुंडा राज खत्म कर दिया, अखिलेश जी कह रहे हैं गुंडा कर दिया, अभी भी योगी सरकार में लगातार जारी है, राज में बढ़ी थी अब खत्म हुई है हाँ। इसीलिए बीजेपी का राज इसलिए बेटर है, बीजेपी का राज बेटर है हाँ। अखिलेश जी के राज में और इस राज में क्या सबसे ज्यादा अंतर नजर आया, अंतर ये है कि उसमें भाई भतीजावाद ये सारी चीजें नेपोटिज्म मतलब वो सारी चीजें को बढ़ावा दिया जाता है, इसमें ये है कि मतलब पार्टी सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है और जनता का ज्यादा सोचती है, जनता का ज्यादा सोचती है, अगर बीजेपी सरकार नहीं होती कोई और सरकार होती या कांग्रेस होती जनता आधी मर जाती, आधी मर जाती, ये इनमें ताकत है योगी जी में और मोदी जी में जो ये देश संभाल लिया और उन्होंने इतना संघर्ष किया, ये देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना अच्छा और इतना सच्चा मन से लड़ने वाला आदमी कभी एब्सेंट नहीं होगी उस इंसान की, अच्छा रात हो या दिन हो योगी जी ने वो काम करे कि खुद जो देखा है। इस बार अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार बन नहीं, कभी कहते 300 पार कभी 350 पार कभी 400 पार नहीं होता, जनता जाग चुकी है, जनता अब, जाग चुकी है, अब जनता किसी के बहकावे में नहीं आएगी, किसी के बहकावे में नहीं आएगी, कोई 300 यूनिट बिजली उससे ज्यादा ही है, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे इस बार, कुछ भी नहीं 500 यूनिट भी दे दो कोई, अरे अब देंगे, अब देंगे आप कौन सा गारंटी आप देते हैं, बना के भी देंगे तब भी जनता नहीं, जब मुख्यमंत्री है कोई नहीं, जब अखिलेश पीछे मुख्यमंत्री रहा 5 साल हाँ। यूं कह रहे अब भैया यूं कह रहा 300 यूनिट अखिलेश यूं कह रहा फ्री देंगे हाँ। अखिलेश जी से यूं पूछे तुम पीछे 5 साल मुख्यमंत्री रहे क्या यूनिट फ्री करेंगे, जब तो ट्रांसफर आता था भैया पैसे देने पड़ते जब ट्रांसफर आता था 15-15-50 रुपए ये हाल है भैया, क्यों पड़े चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर पे, अखिलेश जी की टक्कर में कोई अखिलेश नहीं, ओनली बीजेपी, अखिलेश सब कह रहे हैं कि अखिलेश जी की टक्कर कौन कौन, कौन सब कह रहा है, एक से बोलवा दो समाजवादी वाले, कोई नहीं कोई आप समाजवादी हो क्या, एक आता बनाओ तो जनतावादी, ओनली फॉर बीजेपी, ओनली फॉर बीजेपी, बीजेपी जी देखो ओनली फॉर बीजेपी, बाबा जी, बाबा जी यस कह रहे हैं बाबा जी को भेज देंगे इस बार, कोई नहीं भेज सकता भैया वो दुनिया भेज देंगे, गरीब की आवाज है रियल, तो बाबा जी का क्या काम पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, बाबा जी ने मंदिर बनवा दिया, रोड देखो कैसी हो रही है हाँ। फटाफट कहीं भी जाओ कहीं भी आओ, तो मंदिर को तो अखिलेश जी कह रहे हैं हम एक साल में बनवाए थे, मगर इसने तो बजी बनवा दी लाठी हाँ।
वो ये क्या जी, कौन भगवान है? भगवान को नहीं जानता, खूब और देख ले कितना आ रहा है। बीजेपी तो है, ओनली फॉर बीजेपी, ओनली फॉर बीजेपी। यस, 300 यूनिट बिजली भी नहीं चलेगी इस बार। कौन है जी, हजार भी जब बिना ले, हजार भी नहीं लेने के, क्यों नहीं लेने के? हजार ये बताइए, कमाएंगे जब देंगे, हजार फ्री नहीं, फ्री नहीं, फ्री कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, फ्री कुछ कह रहे हैं हम दे के रहेंगे। भैया एक ट्रांसफार्मर तो आता नहीं था, तीन तीन महीने पड़े रहते थे, हम सब पैसे मिलाते थे जब आता था, और आज अगर फूक गया एक फोन करो तुरंत आ जाता, मिलिट्री लगती। मतलब बदलाव नजर आया है इस सरकार, सारा बदलाव है पूरा का पूरा। तो इस बार योगी जी को हराने के लिए तो गठबंधन हो चुका है। योगी जी, योगी जीतेंगे, जीते पड़े हो तो जीते पड़े हैं योगी जी, जीते पड़े हैं। योगी जी जीतेंगे भैया, जीतेंगे। अखिलेश जी क्यों नहीं जीतेंगे? हम क्या बताया जाए, मान ली सब समस्या सबके सामने है, हम ये हमें अकेले थोड़ा बोल रहे हैं, सबके सामने है समस्या, कोई काम आगे बढ़ा नहीं। योगी जी, मोदी जी सारे देख रहे हैं भैया, पैसे की भी हाल हुआ और हर एक चीज का समस्या सब हल होते हुए, समस्या ही हल करी है योगी जी ने। क्या क्या नहीं, सब सब सुविधा हो गए, सब सुविधा हो गई है। अखिलेश जी के राज में सुविधा नहीं थी, अब क्या कहते तो हैं अखिलेश जी की, हमने बहुत काम किए थे जनता के लिए, किए जो किए हैं पहले किए होंगे, क्या किए हैं? बिजली बिजली पहले सरकार पहले ही था, काम अब करेगा सरकार, पहले से पहले करता ना करता, अब सरकार इनके तो आप कैसे कर देगा? पहले काम क्या लग रहा अंकल जी इस बार? सपा की सरकार बननी है, बीजेपी खेचे भैंसों को ले जावे ट्रक में चढ़ा के, छे जाए तीन ट्रक में चोरी हुई और वो पकड़ लिए मुल्ला। आजम खान का फोन आया, वहाँ मुल्ला बंद है, सुन वहाँ छे बादरपुर थाने में आजम का फोन आया, न्यूके जी दरोगा वो SHO बोला जी भैंस नहीं मिलेंगी, पैसा मिल जाएंगे, ले गए सब छुड़ाए गए। जबरदस्ती झूठ बोल रहे, हम भी गाँव में रहे, हमने आज तक सुना तीन ट्रक छह ज्यादा भैंस गई हूँ, चलो छह ज्यादा अभी छह ज्यादा चलने। एक बात सुन, आजम खान की खुद चोरी होगी, तू पार्टी ज्वाइन कर, तभी तो जनता कहती है जब उनसे अपनी भैंस ना रुकी तो हमारी क्या रोकेंगे हैं? हम यूं नहीं पक्षपात बात नहीं कर रहे, अभी गाड़ी लेकर चल रहे हैं। यदि वह यूं कहते हैं चार साल अखिलेश की सरकार में तीन ट्रक भैंस चोरी ना हुई हो, तब भाई साहब हम जो चाहे वो कर देना, जो चाहे वो देखो तो बोल देना। अब बताइए भैया क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था भैया, अभी तो हकीकत में ना आप उनके बयान नहीं सुना आपने अखिलेश का, कि ये 300 यूनिट फ्री हम सबके लिए करेंगे, सबके लिए नहीं बोला उन्होंने, गरीबों के लिए करेंगे, ठीक है गरीबों के लिए। भैया फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारी केवल बोट ही है, हम दुकान करें, हमें हम गरीब में आवे ना क्यों, हमारा वो ही नहीं है राशन कार्ड वगैरह नहीं है, तो हम हमें ना तो फिर हम क्यों वोट दें भैया को, भैया जी को? एक बात तो बताओ, युवा वोट करेगा इस बार समाजवादी को? भैया वो उन्हें दिख रहा होगा कि कौन करेगा, आप युवा से किसी 18 से 20 22 जो नए बोर्ड बनी है, मैं तो खैर 35 से प्लस हूँ, लेकिन नए से पूछ के देखिए आप, पता लग जाएगा कौन युवा कर रहा है। उससे एक बार बिरादरी भी पूछ लेना, केवल एक बिरादरी के अलावा उन्हें कोई बोर्ड नहीं करेगा, हकीकत ये है। जातिवाद में क्यों हो रहा है ये इलेक्शन भैया? जातिवाद इन्होंने नेता ने कर रखा है, हम तो नहीं करते ना, हमने तो सपा को भी दे रखी है, बसपा को भी दे रखी है और बीजेपी को भी दिया वोट। क्या लगता है सबसे ज्यादा जातिवाद कौन सी पार्टी करती है? कहीं जातिवाद है, कोई जातिवाद मेरी बात कहते हैं कि यार कहीं जातिवाद ही। सुनो 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 सुनो, आज ही मेरे जातिवाद क्यों नहीं है? सुनो तो सही, आज ही इनके बड़े भाई ने मीटिंग करी, कम से कम 200 आदमी यहाँ त्यागी त्यागी, ठीक है ना, इन्हीं के बड़े भाई हैं, 200 में वहाँ कहाँ त्यागी सम्मान सबको देना पड़ता है भैया, सम्मान सबको देना पड़ता है, सम्मान देखो सम्मान सबको देना पड़ता है, ये मीडिया है इसमें तो अपने विचार रखे जाएंगे ना। अब ये कोई है कि हम राजकुमार भाटी हमारे लिए बुरा है या तेजपाल नागर जी बुरे हैं या और कैंडिडेट बुरे हैं, भैया हमारे लिए तो सब अच्छे हैं जो हमारे गांव के विकास कराएगा। हम भी के लिए कौन अच्छा है इस बार भैया जी? आएंगे तो योगी जी, आएंगे तो योगी जी, पता ना है मैं अभी, हम कोई भैया भविष्य वक्ता कोई है, हम तो आगे का बता ही तो सकते हैं, हम कह पक्का अखिलेश आएगा, अखिलेश आए, अखिलेश अखिलेश आएंगे, अखिलेश आएंगे, क्यों आएंगे? अखिलेश काम करा उसने 5 साल पहले, 5 साल काम करा उसने, 5 साल काम करा उसने अखिलेश पहले काम, हाँ इस बार बीजेपी से हिंदू मुसलमान के खिलाफ ये बताइए। अरे सुन तो लो भैया, सब ये कहते हैं कि अगर अखिलेश जी ने काम करा तो गए क्यों? समझा नहीं पाएगा जनता को, अब समझाएंगे ना योगी ने 5 साल में क्या करा है, क्या करा पहले योगी ने, क्या करा है? कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा ना, पहले 5 साल में क्या हुआ वो देखो,
अब पता लग रहा है ना क्या काम हुआ है क्या भैया? ये तो कह रहे हैं अखिलेश जी आएंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद। बीजेपी थोड़ा इधर हो जा, आगे हो जा।